पर वार्ड क्रमांक 20 काशी नगर में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। यह शिविर आयुर्वेद विभाग की ओर से लगाया गया था। सैकड़ों लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। यहां मरीजों की आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी पद्धति से उपचार किया गया। देखा जा रहा है कि मौसम बदलने के साथ ही लोग मौसमी से बीमारी से पीड़ित नजर आने लगे हैं। लूज मोशन के साथ ही और भी कई अन्य तरह की बीमारियों से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लोगों का इलाज करने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया और शिविर में लगभग 150 लोगों की जांच की गई। शिविर में जोड़ों के दर्द से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक रही। अभी सभी का उपचार करने के बाद उन्हें जरूरी दवाई भी दी गई है। डॉक्टर दिवाकर त्रिपाठी, MD आयुर्वेद, आदरणीय डॉक्टर TR राठिया के मार्गदर्शन में सर के और अपने जो है पार्षद महोदय मनोहर सिंह राठौर जी के सौजन्य से, माननीय कलेक्टर महोदय के उस पर उनके मार्गदर्शन में, शासन के मंशा के अनुरूप जो है आज जो है बृहद जो है आयुष का जो है, जिसमें आयुर्वेद का, यूनानी का और होम्योपैथ तीनों पद्धतियों के माध्यम से डॉक्टर हमारे जिला आयुर्वेद अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में उनको चाहते हैं कि तीनों पैथियों का लाभ मिले सब सर, में सर इसमें जैसे कैंप में किस तरीके से पीड़ित किस बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या है? जैसे अभी तक जो देखने में आया है लगभग अभी तक 150 पेशेंट के आसपास हमारे पास आए हैं, तो उनका जो अधिकतर रहा है वो जोड़ों का दर्द और मौसम बदलने के कारण मौसमी बीमारियां हो रही हैं, पेट में जो है लूज मोशन वीकनेस, और उनको जो है पानी को उबाल के पीना और ये सब करना, जो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका जो है परामर्श दिया जा रहा है। आपका नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम मनोहर कुमार राठौर है। किस तरह वार्ड में कैंप लगा है और क्या किस तरह लोगों को जागरूक किया जा रहा है? ये हमारा वार्ड क्रमांक 20 काशीनगर में बहुत दिनों से इच्छाएँ थी मेरी कि यहाँ आयुर्वेदिक कैंप लगे और लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले। तो जिला आयुर्वेद स्वास्थ्य अधिकारी हमारे बीच भी पहुँचे हैं और हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, और यूनानी चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेद पद्धति दोनों पद्धतियों से यहाँ कैंप लगाया गया है और सभी जितने भी यहाँ के जनताएं हैं उनको उसका लाभ मिल रहा है। एलोपैथिक में साइड इफ़ेक्ट होता है, आयुर्वेदिक में साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इससे किसी प्रकार के नुकसान नहीं है और हर किस्म के बीमारियों का इलाज करके यहाँ निःशुल्क दवाई वितरण किया जा रहा है। किस तरीके से कैंप लगाए हुए हैं और यहाँ क्या किया जा रहा है? ये तो बहुत ग्रहिता वाला कैंप है, उसको हम लोग महीना में हर महीना में एक बार लगाते ही हैं। कहाँ कहाँ लगता है सर? ये आसपास मैंने जहाँ जहाँ मैंने हम लोग पार्षदों से मिल के वार्ड वार्ड में लगाते रहते हैं यहाँ मैंने पॉलिक्लिनिक के उसमें। इसका उद्देश्य है बस गरीबों और मैंने हमारे इन लोगों को सरलता से दवाई पहुँच जाए और सब बने। अच्छा, इसके पीछे क्या आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग ये कैंप लगा रहे हैं। क्या स्थिति है सर, क्या लोग लोग तो जागरूक हैं आजकल? तो आयुर्वेद में बहुत सुझाव भी है, बहुत दवाई ले रहे हैं और उसमें इनको मैंने बढ़ावा भी मिल रहा है।